वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की बात करते हैं, तो आज है बेसिकली आपका 4 मार्च और यहाँ पे निफ्टी 50 जो है 22,405 के आसपास की क्लोजिंग है। जबरदस्त 27 पॉइंट्स की शानदार तेजी है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, 47,456 के आसपास की क्लोजिंग है। 158 पॉइंट्स की शानदार तेजी है 0.34% की। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो की, तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्वेस्टेड वैल्यू में 1,64,638 के आसपास है। करंट वैल्यू की बात करते हैं 1,62,364 के आसपास है। टोटल रिटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो 2,270 रुपये के आसपास के नेगेटिव रिटर्न से 1.38% की गिरावट है। एक दिन के रिटर्न की बात करते हैं तो 543 पॉइंट्स की शानदार तेजी है, 0.34% की तेजी है। यहाँ पे बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, सबसे पहले बात करते हैं पावर ग्रिड इंफ्रा। आज इसमें थोड़ा बहुत अच्छी खासी तेजी थी, अभी भी डाउन है 480 रुपीज़, अभी भी यहाँ पे नेगेटिव है 0.82% की गिरावट है। एंजेलॉन की बात करते हैं, यहाँ पे 8 शेयर है मेरे पास अभी करेंटली, यहाँ पे 3,500 रुपीज़, अभी भी डाउन है 13% के आसपास की गिरावट अभी भी है। पॉलीकैब इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिव था, यहाँ पे अभी भी 2,316 के आसपास के नेगेटिव रिटर्न है, 19% के आसपास की पॉजिटिविटी है। ITC की बात करते हैं, बड़ी पिटाई पड़ी है, 1.5% गिर गया है, लेकिन 843 रुपीज़ अभी भी डाउन है, 6.5% की गिरावट है। हम बात करते हैं HDFC लाइफ की, तो इसमें अच्छी खासी तेजी हुई, 2.5% के आसपास की तेजी थी, अभी 194 रुपीज़ डाउन है, केवल 1.57% की गिरावट है। नेस्ले इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो फ्लैट टू नेगेटिव है, कुछ खास है नहीं, 197 रुपीज़ तेजी है, अभी भी 1.94% की तेजी है। HUL की बात करते हैं, यहाँ पे 387 रुपीज़ अभी भी डाउन है, 3.85% की गिरावट है। राइट्स की बात करते हैं, काफ़ी गिर गया, 4% के आसपास की गिरावट थी, 1823 के आसपास की तेजी है, 31% के पॉजिटिव रिटर्न से। HDFC बैंक यहाँ पे 599 रुपीज़ अभी भी डाउन है, 9.5% के आसपास की गिरावट है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे बड़ी पिटाई पड़ी है, 3.5% के आसपास गिर गया है, 588 रुपीज़ अभी भी डाउन है, लगभग 10% की गिरावट है। इंडिग्रिड ट्रस्ट की बात करते हैं, ये अभी निगेटिव में जा चुका है, 0.16% की गिरावट है, 5 रुपये डाउन है। ठीक है, निपॉन इंडिया ETF इसमें कुछ खास नहीं, 3 रुपये डाउन है, 0.80% की गिरावट है। तो यही रहा पूरा पोर्टफोलियो का अपडेट, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आई होप वीडियो पसंद आए, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाए, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं उसके रिप्लाई जरूर करूँगा।